दोस्तों पाकिस्तान टीम आयरलैंड को इतना रनों से हराने के बाद यहाँ पर टॉप वर्ल्ड कप का सुपर 8 पर करेगा क्वालिफाई। इसका क्या है पूरा समीकरण बताएंगे, पूरा खबर की जानकारी आपको इस वीडियो पर। उससे पहले आप लोग भी है पाकिस्तान टीम के एक जबरा फैन तो वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को दिल से सब्सक्राइब करें, ये बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आप लोग की जानकारी के लिए बता दो, वर्ल्ड कप का पाकिस्तान का मुकाबला पहले शुरुआत से ही बहुत ही खराब प्रदर्शन देखने को मिला है पाकिस्तान टीम का, जहां पर पहला यहाँ पर यूएस के खिलाफ पहला मुकाबला में बुरा तरीके से हार मिला। सेकेंड ने यहाँ पर इंडिया ने हरा के पूरा तरीके से बैक फुट में धकेल दिया था। और सेकेंड यहाँ पर कनाडा टीम के साथ मुकाबला में बेहतरीन जीत प्राप्त करके यहाँ पर बेहतरीन एक शुरुआत किया था, लेकिन शुरुआत के ऊपर इंडिया यूएस टीम को हरा के यहाँ पर बेहतरीन जो पाकिस्तान टीम को भी एक बहुत ही बड़ा फायदा मिला है। लेकिन दोस्तों अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, पाकिस्तान टीम यहाँ पर आयरलैंड के साथ मुकाबला में यहाँ पर अगर जीत जाए तो यहाँ पर 20 रन या 8-4-5 विकेट अवशेष रहते ही यहाँ पर मैच को जीत लेते हो पाकिस्तान का टॉप 8 पर क्वालिफाई होना कंफर्म। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक झोलझाल हो चुका है। आपका जानकारी के लिए बता दूँ, यूएस और आयरलैंड के भी जो मुकाबला होने वाला था वो अभी यहाँ पर बारिश के कारण रद्द हो गया है, जिस वजह से पूरा समीकरण अभी बदल चुका है। तो दोस्तों आयरलैंड और यूएस के बीच जो मुकाबला रद्द होने के बाद दोनों टीमों को एक एक खाते पर पॉइंट दे दिया गया है, जिस वजह से यूएस को खाते पर अभी 5 अंक हो चुका है। और अगर आयरलैंड टीम के साथ पाकिस्तान के इस मैच में आयरलैंड टीम को यहाँ पर 30 या उससे भी ज़्यादा रनों का अंतर से हरा दे या 8 या 9 विकेट अवशेष रहते ही मैच को जीत ले, फिर भी पाकिस्तान टीम को 4 अंक ही मिलेगा, जिस वजह से पाकिस्तान टीम अभी टॉप 8 पर नहीं कर पाएगा क्वालिफाई। तो दोस्तों पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा बुरी खबर जो अभी बारिश के कारण अभी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों पाकिस्तान का वर्ल्ड कप से बाहर होने को लेके आप किसको गुनहगार मानते हो कमेंट पर जरूर बताएं। आगे भी क्रिकेट से जुड़ी सभी खबर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपकी बहुमूल्य समय देने के लिए।